ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस बीच पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की। गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए जबकि दो फरार हो गए। वहीं पकड़े गए घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जेवर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश आम के बाग में बैठकर डकैती की योजना बना रहे थे, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों पर पुलिस टीम ने फायरिंग शुरू की। वहीं पकड़े गए बदमाशों की पहचान सुबोध और ऋषु के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास है और बावरिया बैंक से ताल्लुक है, जो लोगों के घरों को निशाना बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट। इनके पैर में गोली लगी है, इन्हें अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश के पास से पौनिया 315 बोर और एक बदमाश के पास से तमंचा, बहुत ही फाइन तमंचा है, ये बरामद हुआ है। दो बदमाश भागने में सफल हुए, हमारी टीम अभी कॉम्बिंग कर रही है, उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रही है। जो सुबोध है, इस पर लगभग दो दर्जन के करीब मुकदमे हैं, गैंगस्टर के मुकदमे, लूट के मुकदमे, चोरी के मुकदमे, अन्य धाराओं के मुकदमे।